अमेठी में राज्य मंत्री मैकेश्वर शरण सिंह पहली बार अपने गृह जनपद तिलोई पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं और तिलोई की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री मैकेश्वर शरण सिंह का कार्यकर्ताओं ने अनोखा स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर साइकिल को लाद कर बीजेपी का झंडा लेकर बुलडोजर पर खड़े होकर अनोखा स्वागत किया। उत्तर प्रदेश में भले ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दोबारा भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करने वाली योगी सरकार के राज में भी स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार द्वारा आम जनता के लिए दी जा रही सुविधाओं का खुलेआम मजाक बनाया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बनवाए गए 100 बेड के जिला संयुक्त चिकित्सालय चिकिया में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। एक साल से अल्ट्रासाउंड कक्ष पर ताला पड़ा हुआ है और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नदारद हैं, जिससे मरीजों को बाहर अल्ट्रासाउंड महंगे दामों पर कराना पड़ रहा है। आया था जो है अपनी वाइफ को जो है पेट में दर्द हो रहा था अल्ट्रासाउंड के लिए, लेकिन यहाँ सरकार के हर सुख सुविधा के बावजूद भी यहाँ कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से हम लोगों को जो है मरीजों को बाहर में कराना होता है, जिससे 1000-1500 इस तरह से जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हम परेशान होते हैं। विगत जुलाई वर्ष में डॉक्टर अनिल पांडे जो हमारे यहाँ थे उनका स्थानांतरण जनपद रविदास नगर भदोही हो गया है और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों को अपनी आवश्यकता के संबंध में सूचित कर दिया है और जैसे ही हमारे यहाँ चिकित्सक उपलब्ध होंगे इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में पीडी बलराम कुमार, उपायुक्त उद्योग रामेंद्र कुमार, DPRO किरण चौधरी, समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र नाथ प्रताप, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी विजय लक्ष्मी मौर्य, नेहरू युवा कल्याण अधिकारी सहित मलिक आदि मौजूद रहे। बैठक में खेल विकास और प्रोत्साहन समिति के अधीन जिला खेल विकास एवं प्रोत्साहन समिति का गठन किया गया। बैठक में बताया गया कि खिलाड़ियों के बहुमुखी विकास, निर्धन उदीयमान खिलाड़ियों को सहायता पहुँचाने के लिए कार्य प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। बलिया के अलावा आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी सहित तमाम जिलों से भी पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में होने वाली बोर्ड की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि कक्षा 12 का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण ये परीक्षा कैंसिल कर दी गई। सर वो मैंने सुना है, यहाँ पर आए तो पता पड़ा पेपर कैंसिल है, बोर्ड पर भी लिखा हुआ देखा मैंने, सूचना पट पर उस पर लिखा था पेपर कैंसिल है और सर से भी पूछा, उन्होंने भी बताया पेपर कैंसिल हो गया है, बताया आप जाइए अगले डेट को आइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हमें सूचित किया गया कि आज का पेपर निरस्त हो गया है, बलिया में ये पेपर आउट हो गया है, इसलिए परिषदीय परीक्षा से ये निरस्त किया जाता है। अब आगे जो सूचना मिलेगी वो आगे बताया जाएगा। मथुरा में यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट की अंग्रेजी की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई। मथुरा सहित प्रदेश के 24 जनपदों में अंग्रेजी की परीक्षा अब अगली तिथि पर कराई जाएगी। शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे के अनुसार इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर बलिया में आउट हो गया है। सीरीज 316 ईडी और 316 ईआई के पेपर मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़ सहित 24 जिलों में भेजे गए थे, जिसके चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई।